इस बीच उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने 84 सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। कारीलाल ननोमा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और 6 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है उपचुनाव से जुड़ी, बीजेपी ने 84 सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कारीलाल ननोमा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और 6 सीटों पर इससे पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। तो 84 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने का आसार है। बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी में कड़ी टक्कर है और बीजेपी ने 84 सीट से अब अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कारीलाल ननोमा को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। 6 सीटों पर इससे पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है और 7वां सीट जिस पर त्रिकोणीय मुकाबला है उस सीट पर अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने 84 सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। तो 6 सीटों पर इससे पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका था और 84 सीट पर अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। कारीलाल ननोमा को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है और कांटे की टक्कर इस सीट पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी में त्रिकोणीय मुकाबला होने का आसार है और तीनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी जीत की दावेदारी पेश की जा रही है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। कारीलाल ननोमा को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। 6 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। उपचुनाव से जुड़ी यह बड़ी खबर, 84 सीट से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। कारीलाल ननोमा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। 6 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और 84 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। ननोमा सिवलवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र से जानेंगे उपचुनाव से जो जुड़ी ये 84 सीट को लेकर खबर मिल रही है, बीजेपी ने यहां से कारीलाल ननोमा को उम्मीदवार घोषित किया है, किस तरीके के का मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है, सभी पार्टियों की तरफ से कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव को लेकर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम दो दल है वो कह सकते हैं कि पूरी तैयारियों में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि इस सीट के ऊपर जो बीजेपी ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो पहले कह सकते हैं कि इन्होंने ग्राउंड पे काम किया है जिस तरीके से आप देखेंगे, इसके अलावा वो प्रधान रहकर भी यहाँ पे कारीलाल ननोमा ने बीजेपी के लिए काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई वोटर्स हैं तो वो आदिवासी वोटर्स हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे चाहे बीएपी की बात कर लीजिए या फिर आप देखेंगे कि कांग्रेस की बात कर लीजिए, क्योंकि ये वो सीट है जहाँ पे सीधा सीधा है त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप अन्य अगर सीटों की बात करूँ 7 सीटों में से, तो जो खींसर सीट है वो भी सीधा सीधा है यहाँ पे आप देखेंगे कि त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे बीजेपी कांग्रेस तो है ही, इसके अलावा आरएलपी जो लोकल जो कह सकते हैं कि रीजनल जो पार्टियां हैं वो भी अब काफी दमखम दिखाती हुई दिखाई दे रही है और दोनों मुख्य दलों के लिए काफी सिरदर्दी भी बनी हुई। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि कारीलाल ननोमा जब प्रधान थे उस दरमियान आपने देखा होगा कि जो इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने बीजेपी में एक कार्यकर्ता के तौर पर जिम्मेदारी निभाई, उसके बाद जब कारीलाल ननोमा को इस क्षेत्र की अगर मैं इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर उन्हें जिला अध्यक्ष के तौर पे या फिर जो अन्य जो पार्टी के जो कार्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई और इस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में वो जाकर और जो कार्यकर्ता हैं उनको एक साथ लेकर एक मंच पर लेकर चलते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से
बीएपी की अगर बात की जाए तो बीएपी भी यहाँ पे है मजबूती पर दिख रही है, और क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे बीजेपी नेताओं की बात कर लीजिए या कांग्रेस नेताओं की बात कर लीजिए, तमाम जो नेता हैं वो इसी क्षेत्र का सबसे ज्यादा दौरा कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी इलाका है और यहाँ पे अब राजस्थान के अंदर एक जो कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर एक जो नया इतिहास है बीएपी पार्टी या फिर अन्य जो क्षेत्रीय दल है वो उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोनों मुख्य दलों के लिए ये कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से किस तरीके से निपटना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज की जाएगी बीजेपी हो या फिर कांग्रेस के द्वारा, किस तरीके से यहाँ के जो आदिवासी वोटर्स हैं उनको किस तरीके से बीजेपी के समर्थन में या फिर जो कांग्रेस है वो अपने समर्थन में लेकर आती है, ये रणनीति देखने वाली महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।